लगातार भाव बात्या दानार परवर्त चित्र आम आपको देखाऊ बालेश्वर बन्या स्थिति वर्तमान देखाई बन्या घेरू विपन्न को उधार रेस्क्यू टीम आपत जो दृश्य बर्तमान देखा जाऊँच बन्या घेर में किभली जड़े महिला उधार कर तार चित्र आप देखुं पुलिस बाहन और ओड्राफ टीम समस्ते बोट जोगे जा महिला उद्धार करेश्वर दृश्य आसी राति अंधार में उद्धार कार्य चली ओड्राफ टीम द्वारा बुढ़ाबलंग नदी अंपटे जड़े महिला को किभली उद्धार करड्राफ टीम और अग्निशम बाहन तार चित्र आप देखुं बालेश्वर जो दुर्दशा बाहर बात्या दाना परवर्त चित्र बन्या उपजी और बन्या परिस्थिति रे किभली ओड्राफ टीम पुलिस बाहन अग्निशम विभाग समस्ते वर्तमान उद्धार कार्य अच्छा तार भितर अंधार राति जड़े महिला को किभली उद्धार करड्राफ टीम तार दृश्य आसी सामना को अर्थात जो प्रकार व्यवस्था करा बा प्रस्तुति करा कि बात्या परवर्ती स्थितर मुकाबला किभली सफल रूपायन करेत्र ओड्राफ टीम पुलिस बाहन महिला को उद्धार कर आम अन्न्य स्थान चित्र भी देखा जीभली भाव में लोकों पाखे पहुंचुंट ओड्राफ टीम अग्निशम विभाग एनडीआरएफ समस्ते तार चित्र देखे तेरे बात्या परे बालेश्वर जिला रेमुणा रे बन्या स्थिति उपजी आ बहु अंचल पानी घेर में वर्तमान रही शताधिक लोक जलबंदी अवस्था जीवन काटुं ओड्राफ अग्निशम बाहन पक्षर उद्धार कार्य चली पांच जन को उद्धार कर सारी भीमपुरा अरविंद नगर में अनेक अंचल जलमग्न बालेश्वर अधिकांश अंचल चित्र आसुची तार भितर बहु अंचल शताधिक लोके पानी घेर में अच्छा ओड्राफ टीम अग्निशम विभाग कर्मचारी समस्त उद्धार कार्य लगी वर्तमान समय भीमपुरा अरविंद अंचल रही जलमग्न रही तार भितर लोक मान उद्धार करड्राफ टीम अग्निशम टीम अर्थात जो लोक मैंने पा भितर के फसी रही जाती जो रास्तार जो स्थान में पा जमी रही नदी जो बुढ़ाबलंग नदी पा आसी जा विभिन्न पंचायत में माड़ जाए लोक मानते पहुंचुंट ओड्राफ टीम बोट साहाज्यरे जो पावर बोट रही से पावर बोट साहाज्यरे समस्त को उद्धार करेश्वर बन्या घेर विपन्न को रेस्क्यू टीम जो उद्धार करते दृश्य आम आपको देखा जाऊँ बन्या घेर में जो महिला रही किभली उद्धार करड्राफ और पुलिस बाहन अग्निशम बाहन समस्ते सजग अच्छा जोटी जोटी लोक मैंने फसी रही उद्धार कर तार भितर अंधारी चित्र गोटे आसी अर्थात अंधार समय रातिर अंधारे महिला को किभली ओड्राफ पुलिस विभाग उद्धार करुछंति महिला को तार चित्र देखा नवेश महंती लगातार भाव आमको अपडेट देउछंति नवेश बात्या दाना पलि गला किंतु तार जो परवर्ती दुर्दशा बा बन्या जो जो अंचल विशेषकर बालेश्वर कथा आम देखे बालेश्वर बन्या प्लावित अंचल लोक मैंने जो फसी रही जाऊँ कि जापार ना ओड्राफ टीम पुलिस बाहन उद्धार कर दृश्य सामना को आसी प्राकृतिक विपर्य सृष्टि देखा पाई मामला देखा पाई ये क्षेत्र ओड्राफ ओडिशा पुलिस विंग और डीजीपी जानते कि गोटे बैठक नहीं है ओडिशा पुलिस विंग या ओड्राफ को डीजीपी ब्रीफ करते केमी लोक मैंने जो मैंने कि फसी रही जमीक इमारजेसन हो पार से रेस्क्यू करने निर्देश देते विभिन्न प्रकार समय विभिन्न बैठक होता ओड्राफ्र आम किसी उच्चपदस्थ अधिकारी कथा होती कहना कथा होगा से मैंने ट्रेन वेल ट्रेन अच्छा और जिते बड़े भी कौन प्रकार समस्या सृष्टि हो तार मुकाबला प्रस्तुत से पर्टिकुलर वीडियो कथा कहवा जहां कि आम हस्तगत होती भाव बुढ़ा बड़ जो बर्षा पा पशिला बना पृष्टि है जो कि घर भितर फसिक रही ओड्राफ्र टीम सहित ओडिशा पुलिस जी कह कर्मचारी मैंने से विक्षोभ जाऊँ घर भितर को राति अंधार में अंधार मोबाइल लाइट जी टर्च जी लाइट आसी से ही लाइट भितर घर को पचने और सेना उधार करपटे गोटे अंचल नुह बालेश्वर बालेश्वर से एकाधिक स्थान में पुलिस लोक मिलजल उधार कर पुलिस भूमिका को बालेश्वर बासिंदा और जो मैंने भी बना अंचल में फसले और पुलिस उपकार पाई से समस्ते प्रशंसा कर पुलिस प्रशंसा समस्त सतमुख होती आम स्थिति कथा कहें स्थिति तो धीरे धीरे करवर्तन है कि विपदर बंधु बास्तविक से मैंने जिते बड़े कि विपदर पड़ा लोक को कि जड़े साजल अति कहीं विपदपूर्ण स्थिति मैंने जाती राति अंधार पावर बोर्ड चलुची
ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆହୁଣାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାର ପାୱାର ବୋର୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ପାୱାର ବୋର୍ଡ ଯଦି ତାର ମୋଟରକୁ ରୋଟେଟ୍ କରାଯିବ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରପେଲର ଅଛି ତାହା ମାଟିରେ ଲାଗିକି ବା କ'ଣ ଯଦି ହାର୍ ଅପଡେଟ୍ ରହିଲା ତେବେ ଖରାପ ହେଇଯିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଆହୁଣାର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରହିଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଜମିଛି ଯେଉଁଠିକି ପାୱାର ବୋର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ରାତି ଭିତରେ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଚେତନତାମୂଳକ ଭାବେ ନିଭାଉଛନ୍ତି ଅବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର ଏଇ ସ୍ଥିତି କଥା କହିବା ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଉ ଗଲା ତାପରେ ଫ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ପାଣି ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଏ ବନ୍ୟା ପାଣି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସିଥିଲେ। ବାକି ରହିଲା ଯଦି ଆମେ ଫାୟାର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ୍ରାଫ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ହିଁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ଯୋଉ ନାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଆସେ ସେଇ ନାରାକୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ତନ୍ତ୍ର କାମ କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭୁଲରେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଟର୍ଡରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସିନା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବ୍ଲୁପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇ ଏଇମାନେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଏମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନବେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏନେଇ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ପ୍ରଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ବ୍ଲକର କାଂସବାଂଶ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ଅନେକ ଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ମାର୍କୁଣା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆନନ୍ଦପୁର ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3-4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାତାୟତ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଖଇରା ଉପଦା ବ୍ଲକର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯାଇଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କାଂସବାଂଶ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଜଳ ଘେରରେ ଫସି ରହିଛି। ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୋର ବିଧାୟକ ମାଧବ ଧଡ଼ା ସୋର ଏବଂ ଭାନଗା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ଆଜି ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନଦୀ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବନ୍ୟା ଜଳ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ବାତ୍ୟାରେ ଆମର ବିଶେଷ କରିକି ସୋର ବ୍ଲକ ଏବଂ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋର ବ୍ଲକର ନଦୀଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଶେଣ ସାହିରେ ଅଛି। ଶେଣ ସାହିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପାଖାପାଖି 12-15 ଘର ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସିଫ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଦୀଗାଁରେ ଅଛି ସେଠି ଆମେ ରଖିକି ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଏବଂ ଘର ପରେ ଯେଉଁ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏ ଘର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ଏ ସୋର ବ୍ଲକକୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ଲୋକ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକରଣ କରାହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଯିବାର ପାଣି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା କହୁଛେ ସୋରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଂସବାଂଶ ନଦୀରୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିନି। ବିଧାୟକ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସୋର କୁହନ୍ତୁ ସିମୁଳିଆ କୁହନ୍ତୁ ଇଏ ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯିଏ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସୋର ବିଧାୟକ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ରହିବା କେମିତି ରହିବେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସୁର ବିଧାୟକ ଯେ ମାଧବ ଧଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେମିତି ସେଠାରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
बिल्कुल एवं या भितर उबाकत जो आदर्श विद्यालय रही सेठारे नै रखिबा पई व्यवस्था करा जाउछि पाखा पाखे केते लोक प्रभावित हेछन्ति वर्तमान देखो सोर ब्लक पाखापाखि आप तलनगर नदीगा एवं कुड़ई एमती पाखापाखि पाखा पांच रु अधिक पंचायत से बर्तन बात्या जल प्रवाहित होती जी कुड़ई कथा कह बर्तमान जे आम पंचायत राज मंत्री अच्छा से एरिया गाइडेन लोकों सहित आलोचना कर जो मैंने बात्या आश्रय स्थल रही कि भाव में खाद्य बर्तमान दि जाऊबदे से अधिक आलोचना कर आँच दिन पर्यटन बात्या आश्रय स्थल रही है लोक मानी आदि कह तलिया अंचल रही तलिया अंचल लोक मैंने बर्तमान जेहेतु उपरतर पा जो आसूसी तलिया अंचल को बर्तमान धीरे धीरे बर्तमान बात्या जल बर्तमान वृद्धि पाऊँ और लोक एक प्रकार गोटे भय रही उमाकांत बर्तमान तीन रु चार फुट उच्च पा प्रवाहित होती आंदपुर मुख्य निकट रास्ता उपर मुंडे वर्षा लगी रही कहते आते परिस्थित खराब हो पाए निहाती भाव में जी कह सीमुड़िया कथा सीमुड़िया बर्तमान पाखापाखि कौन बाउरीपदा आंदपुर एपटे रही आम बाइंसीपाटी यू एरिया बर्तमान जलमग्न अवस्था लोक मैंने अच्छा जदि कह जो मार्कोणा गंडीगढ़ रास्ता बर्तमान आम जिते न्यूज न्यूज कभरेज करने जाइलु से तीन फुट उच्च पा चलुला बर्तमान पाखापाखि पांच फुट अधिक बर्तमान पा प्रवाहित होती कहीं उपर स्तर जेहतु बात्या जल आसू तो से बर्तमान ये तलिया अंचल से बर्तमान अच्छा विधायक पहुंची सारी समस्त को आदर्श विद्यालय रखा चेस्टा करा जाउछि ये भीतर ओड्राफ टीम को जना गलाणी बा ओड्राफ टीम पहुंचिबार संभावना रहउछि कि नहीं बर्तमान सुधा तो ओड्राफ टीम से घटनास्थल में पहुंची ना कि विधायक जहाँ कहते से सूचना देते अग्निशम विभाग को सूचना दिजाव कि भाव में लोकों सुरक्षा आग्रह प्राधान्य दूसरी और जो सरकार रही जीरो काजुआलिटी ही अनुधान कर सब प्रकार बंदोबस्त करा विधायक सूचना दूसरे बिल्कुल ये भितर आदर्श विद्यालय लोक मानक रखा व्यवस्था करेटे कौन कौन सुविधा अच्छी देखो सब प्रकार व्यवस्था करवाई एवं खाइबा पानी जल व्यवस्था सब प्रकार व्यवस्था करदी किसी असुविधा हुए तो मेडिकल टीम पहुंचे और समस्त प्रकार सुविधा जोगेदे सुर विधायक जहाँ सूचना दूसरे बिल्कुल बिल्कुल जमी आप कहते उमाकांत आम जब बर्तमान समय देखा बालेश्वर जिले में अधिकांश अंचल बर्तमान यही भाव में प्रभावित होती सोर ब्लक जो कांसबांस नदी रही आप चित्र देखुं नदी में पा आसवा जो बन्यापा लगातार वर्षा पर बना पा आसी अनेक अंचल प्रभावित होती विभिन्न पंचायत में प्रवेश करते आम गंडीबेड़ मार्कोणा मुख्य रास्तार चित्र देखे से पशि बालेश्वर विभिन्न स्थान में भी आम लगातार भाव देखु आपन को जो भाव में लोक मैंने जलबंदी अवस्था अच्छा एवं वर्तमान जो औपदा कथा देखुं कांसबांस नदी जलस्तर वृद्धि पाइबा आखपाख अंचल में पा पशि जमी कि उमाकांत लगातार आमको अपडेट देखते गंडीबेड़ मार्कोणा मुख्य रास्त पा पशि औपदा खैरा ब्लक लोक प्रभावित होती सेपटे बुढ़ाबड़ नदी में नदी जलस्तर वृद्धि पाइबा आखपाख अंचल में बना पा प्रवेश कर बात्या चली जाइए कि बात्या पर दुर्दशा भयंकर भाव माड़ चलती बर्तमान भी उपर मुंडे वर्षा होता जो जमीक उमाकांत कहते बर्तमान समय तलिया अंचल आहुरी पानी प्रवेश करुची वर्तमान समय तीन रु चार फुट पानी प्रवाहित हो अंचल एवं लोक मैंने किभली अवस्था अच्छा तार चित्र देखुंट कच्चा घर माटी घर तारी भितर पा जिते पशि घर भी क्यों समय भुशुड़ी पाए एक भी गोटे प्रकार चिंता बढ़ुची सन्देह रोचे और तारी भितर विधायक पहुंची लोकों पाखे सोर विधायक माधव धड़ा विभिन्न स्थान जाए लोकों पाखे पहुंची लोकों समस्या बुझिं बर्तमान आदर्श विद्यालय जो रही लोक मानक रखा व्यवस्था करा एवं तार भितर आप देखुं लोक मैंने बन्या प्लावित अंचल कि अवस्था अच्छा बन्या पा भितर लोक मैंने जास कर निजर जो दैनंदिन कार्य अच्छी बा किसी जिनस आने लोक मैंने किभली दुर्दशा भितर जाऊँच चारिड़े पा आँ रही जितेबाला कांसबांस नदी में पा आसी आखपाख जो पंचायत रही तारी भितर बर्तमान लोक मैंने हईराण होती उमाकांत जिते लोकंर दुर्दशा बढ़ी बर्तमान कितु विधायक पहुंची लोकों पाखे साय्य करने हाथ बढ़ई आदर्श विद्यालय व्यवस्था कर रखा सुविधा उपलब्ध रही बर्तमान निहती भाव जहां आम पाखे जहां सूचना रही कौन सी लोकंर
किसी असुविधा न हो समस्ते सुरक्षित रुहत सहित जो पशु मान रही गाई गोर से किभली भाव में सुरक्षा रही तार बर्तमान विधायक से दृढ़ पदक्षेप नहीं जो मैंने से डक्टर को परामर्श दे जेहेतु बन्या जल गुआल घर जो घरे जो लोक घरे पशि कि सुरक्षा देवा एवं गुरु गाई कोई प्रकार जदि क्षय क्षति न हमें बर्तमान ध्यान दि जा प्रथम कथा तो सब बड़ कथा जेहेतु स्वर स्वर सबिरा एवं ता सहित जो नदी गाँ कुड़ई जो प्रवाहित बात्या जल बर्तमान प्रवाहित होता हूँ तलिया अंचल से सब केवल माधवधड़ा नुहति जो अच्छा अन्य जो माने आमर जो बीजेपी जो माने पूर्वतन विधायक जी थे वर्तमान परशुराम धड़ा सी घटनास्थल को जाकर सहित अच्छा आमर बालेश्वर सांसद दिए प्रताप चंद्र षडंगी उपस्थित अच्छा ता सहित आमर जी राज्य मंत्री अच्छा जी पंचायत राज मंत्री रवि नायक उपस्थित अच्छा कि भाव में लोक सब प्रकार बंदोबस्त करती वर्तमान से दृष्टि देखते जी कह आमर जी मंत्री अच्छा केवल से सुर नुहति सुर सीमुड़िया औपदा खैरा मंत्री उमाकांत टी अटके बर्तमान समय जो तलिया अंचल पा पशि से नहीं देखुं चित्र लोक मैंने जलबंदी अवस्था अच्छा तीन रु चार फुट उच्च बर्तमान पा प्रवाहित होर मुंडे आहरी वर्षा लगी रही अधिकांश अंचल स्वर बालेश्वर कथा कहत विभिन्न अंचल पंचायत गुड़िक जलबंदी अवस्था अच्छी सेपटे बुढ़ा बड़ंग नदी में बना आसवा द्वारा आखपाख अंचल बर्तमान जल घेर छाड़ जाए कि जो बात्यार प्रकोप रही बिल्कुल कमी अबा कहीपर दुर्दशा बढ़ी बालेश्वर चित्र देखुले स्वर देखुले बर्तमान भद्रक भी सामान अवस्था भद्रक भी बात्या दाना चली जावा जो प्रभाव देखा मिली प्रकोप बढ़ी चली बात्या परे उपकूल ओडिशा रे विशेषकर वर्षा जारी रही भद्रक बालेश्वर जलबंदी समस्या अच्छा लोक मैंने पा भितर शताधिक परिवार रास्ता उपरे आंठुए पानी।